हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कन्वल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का, जो कि आपको जैसे पता है क्लास 8 SST का चैप्टर है ये, ज्योग्राफी का, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़। एक यही रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, तो जिसमें हम देख रहे हैं टिक वाले क्वेश्चंस, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। तो ये द फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इनमें से कौन कॉपर का प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, तो गुजरात इज राइट आंसर। गुजरात इनमें कॉपर का प्रोड्यूसर नहीं है, बाकी सब में कॉपर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द प्लेजर डिपॉजिट्स फाउंड। ठीक है, तो ये है बैंक रिवर्स, मतलब बैंक के किनारे, सॉरी रिवर्स के किनारे जो है ये प्लेजर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल है बायोमास, तो ये है कोल। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स कोल है। नेक्स्ट है, दिस वेराइटी ऑफ कोल हैज बिन हाइएस्ट परसेंटेज, तो एंथ्रासाइट में कार्बन की क्वांटिटी हाई होती है, इसी कारण ये जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का एक तरह से कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, ट्रू फॉल्स, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो इट इज ट्रू। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, इन द सुंदरबंस एशिया फर्स्ट कॉमर्शियल टिडल पावर प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये तो कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है। आगे आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द सम कॉमन मिनरल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे मिनरल्स का यूज करते हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, और सॉल्ट जो हम रोज यूज करते हैं वो भी है एक मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम टू स्टेट्स इंडिया वेयर कॉपर और फाउंड, यानी जहाँ पर कॉपर एक तरह से फाउंड पाया जाता है, तो वो है राजस्थान और MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फ्रॉम विच ओर इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट, मतलब एल्यूमिनियम को किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम को आयरन ओर से, नहीं ये रॉन्ग है, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें आयरन की जगह बॉक्साइट कर लेना, बॉक्साइट की स्पेलिंग ये आपकी PAUXIT, बॉक्साइट। इसके बाद में हम देखते हैं आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच टू रीजन इन इंडिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्स, मतलब किस रीजन में इंडिया के में नेचुरल रिसोर्स रिच क्वांटिटी में मिलते हैं। तो वो ये वाला आंसर आपका, द रीजन इन रिच इन नेचुरल रिसोर्स आर इंडिया, एक तो जैसलमेर है जो कि राजस्थान में है, और कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, इट मीन्स कृष्णा गोदावरी जो रिवर है उसका पार्ट, उसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन टू है, नेम एंड एक्सप्लेन द 4 ग्रेड्स ऑफ द कोल, मतलब कोल की जो 4 ग्रेड्स हैं, 4 वेराइटीज हैं कोल की, उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहली वेराइटी है पीट। ठीक है, ये सबसे एक तरह से लो क्वालिटी का एक तरह से कोल होता है। ठीक है, इसका कलर ब्राउन होता है एंड कंटेंट्स ओनली 50 या 60% ऑफ कार्बन, इट इज़ द मोस्ट इनफेरियर फॉर्म ऑफ कोल, मतलब सबसे लो क्वालिटी की कोल है। इसके बाद में है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में कम से कम 60% से अबव कार्बन की क्वांटिटी होती है, सो ये एक तरह से अच्छा कार्बन है, मतलब कह सकते हैं हम पीट से, पीट के कंपेरिजन में अच्छा है। ठीक है, और इसका भी कलर ब्राउन होता है और ये हार्ड होता है थोड़ा पीट से। ठीक है, पीट से थोड़ा हार्ड होता है। अगला टाइप है बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिन्स में 90% या फिर 80% या फिर 70 या 75% के करीब कार्बन होता है। ठीक है, ये बैरी करता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक तरह से बिटुमिन्स, मतलब कोल है। एंड लास्ट है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की, क्योंकि इसमें 90 या 95% के करीब कार्बन होता है, और ये सबसे हाई क्वालिटी है, मतलब कोल की सबसे अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका, तो आप यहाँ से इसको इजीली नोट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको लर्नेबल वाला है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड जियोथर्मल एनर्जी, मतलब
मतलब थर्मल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी में डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो इसका आपका आंसर ये रेड वाला है, थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। मतलब थर्मल एनर्जी एक तरह से जनरेट की जाती है फॉसिल्स फ्यूल को बर्न करके। जैसा कि मैंने आपको अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब समझाया था कि जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, या नेचुरल गैस है, ठीक है, इसका यूज करके एक तरह से स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है टर्बाइन, मतलब स्टीम को, ठीक है, फिर टर्बाइन को रोटेट किया जाता है तो थर्मल एनर्जी के द्वारा एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। और जबकि आपकी जियो थर्मल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो आपके अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स की जो हीट होती है उसे कहते हैं। मतलब अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसका यूज करके आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में एक तरह से अर्थ के इंटीरियर पार्ट की हीट का यूज किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज नेचुरल गैस एंड राइट एनी वेज इट इज यूज्ड। नेचुरल गैस क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ये ब्लैक वाला, ठीक है। नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल, मतलब नेचुरल गैस को ज़्यादातर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड फॉर्म इज यूज टू बी फ्यूल ऑफ व्हीकल। मतलब नेचुरल गैस की जो कंप्रेस्ड फॉर्म है जिसको CNG कहते हैं उसका भी यूज किया जाता है व्हीकल्स में, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, व्हाट इज चलो क्वेश्चन फोर के बाद हम देखते हैं लॉन्ग टाइप का। पहला क्वेश्चन, देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। मतलब हम घर पर एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे काफ़ी वेज है, इनमें से आपको 5 जो वेज है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो ये आपका लॉन्ग का जो है फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। जो देखो पहला ये है कि स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, मतलब हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उन्हें उस टाइम बंद कर देना चाहिए जब उनका कोई यूज नहीं होता है, यानी वैन नॉट इन यूज, ठीक है। इससे भी आप कुछ हद तक एनर्जी को मतलब सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट इज यू रिड्यूस बाई पैकेज्ड गुड्स। मतलब जो पैकेज गुड्स होते हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, उनको भी आप रिड्यूस कर सकते हो उनका कम यूज करके। नेक्स्ट है स्विच ऑफ इंजन्स ऑफ व्हीकल्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स। मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप इंजन के व्हीकल को स्विच ऑफ कर सकते हो जिससे आपका पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, ठीक है, वो सेव हो सकता है। नेक्स्ट है ट्राई टू बी रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे सोलर पावर है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, इसका यूज करना चाहिए क्योंकि ये रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू कर सकते हैं। बट जो नॉन रिन्यूएबल है कोल, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, उनको हम एक तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब ठीक है, खुद के व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर ये है, इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेथड। ये मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का जो मेथड है सबसे क्लीनेस्ट कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन फ्यूजन। मतलब इसमें ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो फ्यूजन पर बेस्ड होते हैं। फ्यूजन मतलब कि आपको कुछ हैवियर एलिमेंट होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, ये दो हैवी एलिमेंट होते हैं, इनका यूज बम बनाने में किया जाता है। तो मतलब इनको फ्यूज किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, और इनको जब फ्यूज किया जाता है तो इनसे कुछ एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी को एक तरह से हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम, मतलब स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर स्टीम का तो हम यूज करते ही हैं टर्बाइन को चलाने के लिए। तो इस प्रकार से आपके न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इनका एडवांटेज क्या है, ठीक है, कंपेरिजन देन कन्वेंशनल। तो देखो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं इनके काफ़ी एडवांटेज हैं। पहला तो देखो यहाँ पर लिख रहा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इनएग्जिस्टेबल। पहली बात तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं होंगे ये, ठीक है, अनलिमिटेड स्टॉक होता है इनका नॉन कन्वेंशनल का, जबकि कन्वेंशनल का क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। एंड सेकेंड है, दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, मतलब ये कभी एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर
इज इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर पावर जो होता है वो काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एक ये बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लो कॉस्ट, मतलब इनका कॉस्ट भी लो होता है, इनको अच्छे से मतलब इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और इजीली इनको इंस्टॉल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट थे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के, और ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस करें और इसे अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है क्लास 8, ठीक है, सोशल साइंस का, तो उसमें सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।